आए तो तुझे कुछ खिलाते भी। अरे आके दांत गिर के छोरा के एक दांत ना देखने। तो आज भाई 17 जून 2021, आज बहुत मस्त बारिश हुई हमारे गांव में, एकदम मस्त वाली। बहुत दिन से वेट कर रहे थे। खैर आज की जो शॉपिंग है वो करीबन 1.5 लाख रुपए की है। अब ये ना चाहते हुए ये वाली जो शॉपिंग है ये हुई है। असल में है किस चीज़ की वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार वो दिखा जूँ मार के कि उसके ऊपर क्या लदे हुए हैं, उस टम्पू के ऊपर टोटल है। तो गाइस ये टोटल 80 पाइप्स हैं जो आप इस छोटा हाथी कह दो। इसमें भाई ये हैं अपने टोटल 80 पाइप्स। और ये किस लिए हैं? ये अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन होती है उसके लिए आए हैं। अब इनके साइज की बात करें तो ये टोटल 5 इंच अपने पाइप है। इसमें भी कई क्वालिटीज होती है, 3, 4, 5। तो ये थोड़े हैवी में आते हैं। अभी क्या है तो ये 1,09,836 रुपए की आज खाम का शॉपिंग हुई है। क्योंकि जो थोड़ा सा ऐसे ही रहता है ना, अननेचुरल चीजें हो जाती हैं तो अंडरग्राउंड जब दबे रहते हैं तो दूसरे के खेत में से आते हैं तो भाई उखड़ जाते हैं, तो फिर दोबारा से रीइंस्टॉल कराना पड़ता है। तो वही वाला सीन है, अब इनको अनलोड करते हैं फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। चल रवि आराम से, नीचे मकबार भी कौन है। छोड़ दे छोड़ दे रवि। तो एक पाइप की बात करें तो ये फुट का रहता है भाई कंप्लीट, और जैसा कि उन्होंने बताया 113 रुपये किलो आता है ये, तो काफ़ी वेट बैठ जाता है, इस वजह से बहुत महंगा पड़ गया। और इसके बारे में और बात बताऊंगा, पहले इनको अनलोड करने देते हैं, तब तक हम जो स्विफ्ट है इसमें कहीं घूमने चलते हैं। इसकी भी आपको मैं पूरी स्टोरी बता दूंगा जो कि अपने चैनल पर। पाइप वाइप उतर गए भाई। अभी ये दीपक भाई हैं, इफ़ यू डोंट नो ही हैज़ बीन एन ओनर ऑफ एक्सीडेंट कार। एक्सीडेंट हो गया था, इनकी कार का खत्म हो ली थी भाई। अभी इस लोकेशन पे आए हैं, मतलब सही है रिलैक्स विलैक्स करने के लिए, बारिश वारिश आई हो तो। बहुत प्यारी लोकेशन है, अपने घर से जस्ट 1 किलोमीटर दूर। अच्छा अभी मैं बताता हूँ वो पाइप वाइप से क्यों मंगाए भाई। तो सीन ऐसा हो गया कि हम जैसे हमारे गाँव में ना खारा पानी है। अब ये खेत बाड़ जो आप देखते हो, ये खेत है ना जो, अब इनमें भाई पानी लगेगा कहाँ से? अगर ज़मीन से लोगे तो खारा पानी है। अब ये हमारा राजस्थान एरिया तो है ना भाई, जो हम मतलब बारिश का इंतज़ार करें, मतलब वहाँ पे तो भाई बिल्कुल पानी है ही ना नीचे ना। वैसे तो हमारे नहर जाती है, तो नहर पे से लेते हैं तो बहुत लंबा डिस्टेंस पड़ जाता है, तो अंडरग्राउंड दाब के लाते हैं, उस नहर से इंजन चला देते हैं और अपने खेतों में बढ़ जाता है पानी। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि ना भाई सारे खेत हमारे तो हैं ना, जैसे ये खेत सारे तो हमारे हैं ना, कि भाई इतनी लंबी आ रही है तो सब अपनी है, तो दूसरे के खेतों में से दब दब के आती है वो नीचे से। तो कई बार जैसे खेत वाले भाई उनकी मनमर्जी कुछ भी कर लें, खुदवाएं खेत को कुछ भी करें, तो क्या होता है कि भाई वो ना टूट जाते हैं, पाइप हमारे तोड़ दिए किसी ने। तो अब भाई पाइप तोड़ दिए तो हमको जिम्मेदारी तो करनी है, ठीक है। तो भाई अब ऐसा सीन रहता है कि ना फिर अपने को दोबारा एक करवाना पड़ रहा है, तो जितने भी एरिया में टूटे थे उतने दोबारा गढ़ेंगे ये। तो ये अब महंगा इतनी हो रही है, पाइप इतना महंगा हो रहा है, प्लास्टिक 1,13,000 तो नहीं कितना बता रहा था वो, उतने का आया था भाई वो अपने पाइप्स। वैसे ना ये हमारे साझे का रहता है, हमारे अकेले का नहीं है, इसलिए साझे का है। हम जैसे 5 भाई हैं ना पापा, मतलब सगे तो 3 हैं, 2 चाचा ताऊ के, तो इस तरीके से फिर 5 जने हैं इसमें, तो 30,000 रुपये सबके हिस्से में आया है, खाम खाई का नुकसान हुआ है भाई। तो ऐसा ही रहता है भाई, बस गांव का ये सब इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जब अपने खेतों में पानी लगता है फिर फसल उगती है, तो इसलिए था वो। अभी तो पाइप जस्ट उतरे हैं, जब गढ़ जाएंगे मतलब गढ़ जाएंगे, अब गढ़ने का मैं आपको क्या ही सीन दिखाऊँ, उसमें आप इंटरेस्टेड रहेंगे ही नहीं, तो ये सीन रहता है। चलो भाई यही बताना था बस,
ऐसा भी रहता है, ऐसी भी शॉपिंग अक्सर करनी पड़ जाती है। बाकी और भी फार्मिंग टेक्निक्स होते हैं, और भी कई जगह लोग अलग अलग तरीके से ये करते हैं, इरीगेशन जो सिस्टम होता है हमारे यहाँ ऐसा चलता है, जिसमें ऐसी तरीके की इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। चलो थैंक यू सो मच, आकाश बिजी है, ओनली फ्राइडे फ्री रहता है, तब तक मैं ही चैनल पर डाल देता हूँ कुछ ना कुछ। बाय।